काजोल के घर जब बेटी न्यासा का जन्म हुआ था तो इनके घर में कई तरह की खुशियां आ गई थी, चाहे आर्थिक हो या फिर अपनों की खुशी। इनके आने के बाद तो अजय के काम में भी अच्छा खासा प्रोग्रेस देखने को मिली थी, इसीलिए तो काजोल अपनी इस प्यारी सी गुड़िया को अपना लकी चार्म मानती है। पर आपको यकीन नहीं होगा कि काजोल के अलावा न्यासा को अपना लकी चार्म मानते हैं ये तीन एक्टर, जिनके लिए भी न्यासा काफी लकी रही अलग अलग वजह से। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो एक्टर और क्यों मानते हैं वो न्यासा को अपना लकी चार्म। नंबर वन, आर्यन खान। आर्यन खान के लिए न्यासा लकी रही है। न्यासा जब से इनकी दोस्त बनी है तब से इनकी जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव हुआ है। इनके आने से इनकी जिंदगी में हमेशा अच्छा अच्छा हुआ है। ये पहले से अच्छा परफॉर्मेंस करने लगे अपनी स्टडी में, अपनी अदर एक्टिविटीज में, और इसका क्रेडिट इन्होंने न्यासा को दिया और कहा कि वो इनके लिए लकी है। नंबर टू, यशवर्धन आहूजा। यशवर्धन आहूजा की जिंदगी में जब न्यासा ने एंट्री की तब इनकी जिंदगी में सब अच्छा अच्छा होने लगा था। इन्हें मॉडलिंग में सफलता मिली और इनकी पहली फिल्म भी मिली, पर न्यासा जैसे ही इनसे दूर हुई इनसे इनकी फिल्म भी छूट गई थी। नंबर थ्री, वेदांत महाजन। न्यासा जब से वेदांत की गर्लफ्रेंड बनी है तब से तो वो वेदांत अपने बिजनेस में ऊंचाइयां ही छू रहे हैं। उन्हें अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं जिनसे उन्हें सफलता मिल रही है, इसलिए तो वेदांत अक्सर न्यासा से ये कह देते हैं कि तुम मेरे लिए सच में बहुत लकी हो। तो दोस्तों, क्या इन लोगों का न्यासा को अपना लकी चार्म मानना सही है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही ऐसी ही खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।